डलमो नगर पंचायत में मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई। हमारे साथ बात करने के लिए जो डलमो नगर पंचायत अध्यक्ष भाजपा के प्रत्याशी बनाए गए ब्रजेश दत्त गौड़ मौजूद, इन्होंने मतदान कर लिया। हम इन्हीं से जानते हैं किन मुद्दों को लेकर इन्हें मतदान किया है। अध्यक्ष जी, किन मुद्दों को लेकर आपने मतदान किया है? राष्ट्र हित में मतदान किया है तथा जो आगे क्या रहेगा? आगे विकास का कार्य हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी और कराएंगे हम। क्या जो अधूरे कार्य थे पीछे, अब इस बार क्या वो अधूरे कार्य पूरे कराएंगे, इसके अलावा नए कार्य भी कराएंगे। सबसे अगर पहला मुद्दा जाएगा तो किसकी ओर आप जाएंगे? विकास की ओर। देखा जाए डलमो गंगा घाट है, इन मुद्दों को लेकर सबसे पहला आपका मुद्दा कौन सा होगा? घाटों की मरम्मत और सौंदर्यीकरण, घाटों का जिन घाटों का बाकी है। अच्छा, लोग बता रहे हैं जो साफ सफाई नहीं हो पा रही है, ऐसी दिक्कतें आ रही हैं, इन मुद्दों को लेकर आप? उनकी साफ सफाई की व्यवस्था कराई जाएगी, जिनके जो कार्य नहीं हुए कराए जाएंगे। आप देख सकते हैं हमारे साथ डलमो नगर पंचायत अध्यक्ष जो पद के भाजपा से प्रत्याशी बनाए गए ब्रजेश दत्त गौड़ हैं, वो बाकायदा उन्होंने बताया मतदान कर लिया है और राष्ट्र हित की ओर उन्होंने मतदान किया है। ओम द्विवेदी, आर एक्सप्रेस, रायबरेली।